जो पार्टी का भी आधार है बढ़ता चला जा रहा है। इसके साथ साथ एक काम और हम सब ने किया है, अभी डॉक्टर साहब ने बताया किशन स्वरूप जी ने, कि हमने कई पार्टियों को मिला के एक अलायंस बनाया है, और मैं कह सकता हूं कि राष्ट्रीय स्तर पे हमारा ये चौथा अलायंस है। इससे पहले केवल तीन अलायंस है, कांग्रेस के नेतृत्व में यूपीए का अलायंस है, बीजेपी के नेतृत्व में एनडीए वाला अलायंस है, और एक केरल की तरफ कम्युनिस्ट पार्टी के नेतृत्व में एक अलायंस है। और राष्ट्रीय स्तर पे अगर चौथा कोई अलायंस है तो वो हमारा अलायंस है, जिसका नाम हम लोगों ने रखा नेशनल बहुजन अलायंस। आज की तारीख में उसमें 13 पार्टियां और लगभग 13-14 सामाजिक संगठन और मतलब जुड़ चुके हैं उसमें, जिसका पहला हम प्रयास कर रहे थे सितंबर से, जुलाई अगस्त से, और 14 दिसंबर को नागपुर में उसकी फरवरी घोषणा हुई, और इस 4 फरवरी को लखनऊ में उसका पहला सम्मेलन हम लोग करने जा रहे हैं। तो अपने स्तर पे जहां भी जो भी हो सकता है हम हर तरह के प्रयास कर रहे हैं ताकि समाज को एक बहुत मजबूत राजनीतिक विकल्प मिल सके, और जो नेताओं ने गद्दारी की है समाज के साथ में उस भरपाई को, जो नुकसान हुआ है वो भरपाई की जा सके और लोगों को उनका हक मिल सके। तो धीरे धीरे हम ये प्रयास कर रहे हैं, और मुझे खुशी इस बात की है कि नेशन टाइम, एसएम न्यूज, नेशनल दस्तक, इस तरह के जो हमारे समाज के चैनल हैं, यूट्यूब पे हैं लेकिन बहुत अच्छी तरह से काम कर रहे हैं, उनका साथ अब धीरे धीरे हमें भी मिलने लगा है, समाज को मिलने लगा।